कटिहार और सीमांचल और पूर्णिया में। हम चाहते हैं चाहे ब्लॉक हो, सीओ हो, सीआई हो, वह मोटेशन में पैसा बंद कर ले, किसी भी कीमत पर पैसा नहीं ले सकता। मैं 3 तारीख के बाद एक भी दलाल, एक भी भ्रष्टाचारी कोरा, फलका, पुठिया और हमारे कटिहार में, चाहे वो आरयू डिपार्टमेंट हो, कोई भी, जिस किसी ने भी दलाली के आधार पर काम किया होगा, उसे या तो ट्रांसफर कराना होगा या तो कटिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं 3400 में हर कीमत राशन कार्ड तुरंत चाहिए, मोटेशन आते ही 1 महीने के अंदर मोटेशन नहीं हुई तो हम समझ लेंगे कि दलाल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। भ्रष्टाचार मुक्त करना, दलाल मुक्त करना मेरी प्राथमिकता है। अंतिम डॉक्टर जो भी हमारे पैथोलॉजी हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जो भी, वह डॉक्टर ही को किसी भी कीमत पर यदि डॉक्टर नहीं है तो 2 महीने के अंदर वो बंद कर दे। डॉक्टर ही पैथोलॉजिस्ट खोल सकता है, और जो डॉक्टर नहीं है जो पैथोलॉजी खोल के बैठा है, 1 लाख रुपया सिविल सर्जन ऑफिस के भ्रष्टाचार के कारण, तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। हम 2 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। हर परिस्थिति में हम जो अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन है, यदि वो टेक्नीशियन वो डॉक्टर अलाउड नहीं है तो वो नहीं होगा। जो नर्सिंग होम है वो डॉक्टर का नहीं है तो अपना नर्सिंग होम 2 महीने के अंदर बंद कर ले। और हम डॉक्टर से आग्रह कर चुके हैं, ये सहमति बन गई एएमआई के द्वारा, कि कोई भी डॉक्टर किसी भी नर्सिंग होम को अपना ऑथोरिटी नहीं देगा, एकदम नहीं। डॉक्टर, इससे डॉक्टर की प्रतिष्ठा खत्म होती है और यहीं पर मौत का तांडव होता है। आशा जीएनएम के द्वारा पैसे लेकर के हम दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं, मेडिकल दुकान उसकी दवाई 3 गुना बढ़ा के देती है। इसलिए कल एएमआई की बैठक में ये सारे निर्णय हुए, निर्णय ये हुए बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जो लोग भी हैं उसको एक्सरे 2 महीने पर कर, 200 रूपये पर करना है एक्सरे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन। फिर मैं कह रहा हूं गरीबी रेखा के नीचे। दूसरी चीज सीटी स्कैन 1300 रूपया, 1 महीने पर ही डॉक्टर देखेंगे, 1 महीने के बीच में किसी भी कीमत पर डॉक्टर फीस नहीं लेंगे, 1 महीने के बाद फीस लेंगे, वह भी फिजिशियन 500 रूपया, सर्जन 300 रूपया। ये सहमति एएमआई और डॉक्टर के साथ मिलकर हमने लिए। उसके बाद अंतिम